तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि पैसे से आप अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं और ऐसी कौन सी खुशियां हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो पैसे को एफिशिएंटली यूज नहीं करते, वो या तो पैसे की बर्बादी करते हैं या उसे खर्चते ही नहीं, जिन्हें हम आम भाषा में कंजूस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों ही तरह के लोग अपनी जिंदगी में भयंकर दुख का सामना करते हैं। पहले वालों के पास पैसा खत्म हो जाता है और दूसरे वाले पैसे होते हुए भी उसे खर्च नहीं कर सकते। लोग जो सवाल पूछते हैं वो भी गलत पूछते हैं कि इंसान को कैसा होना चाहिए, पैसा खर्च करने वाला या कंजूस। ये सवाल ऐसा है जैसे कि कोई पूछ रहा हो कि क्या अच्छा होता है, लूज मोशंस या कब्जी। अगर इन्हें कोई बताए कि हेल्दी वे भी कोई चीज होती है, ये दुनिया बैलेंस पर टिकी हुई है, कुछ भी पूरी तरह से ब्लैक या पूरी तरह से व्हाइट नहीं होता है, तो वो बात इनके दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। तो अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं या समझ सकते हैं तो समझिए, बात यह है कि पैसा सिर्फ दो तरीके से हमारी लाइफ को बेटर बना सकता है। एक तो हमें कंफर्टेबल करके, जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी हों और हमें किसी भी तरह का कोई फियर ना रहे, और दूसरे तरीके से जो पैसा हमें सुख दे सकता है वो है प्लेजर देके। वो प्लेजर चाहे किसी भी तरह का हो, जीभ का हो, आंखों का हो, कानों का हो, शरीर का हो, मतलब आप टेस्टी से टेस्टी खाना खा सकते हैं, सिनेमा जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, गाने सुनने के लिए अच्छा सा साउंड सिस्टम खरीद सकते हैं, सोने के लिए कंफर्टेबल बिस्तर, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मसाजर वगैरह भी आ गए हैं मार्केट में, मतलब कि आप इस तरह से दुनिया के जो भी सुख हैं उन्हें खरीद सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि दुनियावी सुखों को खरीदने की कोई लिमिट नहीं है। पर दुनियावी सुख तभी खरीदे जाने चाहिए जब आपके पास बेसिक जरूरतों के लिए पूरा पैसा हो। ये नहीं कि आपके पास बेसिक जरूरतों के लिए तो पूरा पैसा नहीं है, पर आप दुनियावी सुख खरीदते फिर रहे हो। बुनियादी जरूरतें, मतलब आपके पास मेडिकल के लिए पैसा है या नहीं, मतलब कि अगर आपको या आपके घर वालों को किसी को कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी पर पैसा लगाने के लिए कम से कम आपके पास 10-20 लाख की सेविंग होनी चाहिए। आपके पास अपने शरीर को न्यूट्रिएंट फुल डाइट देने के लिए पैसा है या नहीं, मतलब कि आप रोज फ्रूट्स या ऐसे ही और न्यूट्रिएंट्स वाले फूड्स खा सकते हो या नहीं, ताकि आपको मेडिकल के लिए पैसा खर्चना ही ना पड़े। अगर कल को आपको किसी काम के लिए ट्रैवल करना पड़ता है तो उसके लिए आपके पास पैसा है या नहीं, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत पैसा खर्च होता है, ज़्यादातर होता है किसी जगह पर रुकने में। तो कहने का मतलब ये है कि इन बेसिक ज़रूरतों के लिए आपके पास पैसा है या नहीं। अगर है तो फिर जो एक्स्ट्रा पैसा है उनसे आप दुनियावी सुख खरीद सकते हो, पर यह भी देखना पड़ेगा कि वो एक्स्ट्रा पैसा कितना है और आप कितना कुछ खरीद सकते हो, और कौन सी चीज़ खरीदना पैसे का सही इस्तेमाल है और कौन सी चीज़ खरीदना पैसे की वेस्टेज है। जैसे कि जो लोग दुनिया को दिखाने के लिए अपने पैसे को खर्चते हैं या वेस्ट करते हैं वो सबसे मूर्ख लोग हैं, और यही लोग दुनिया नाम के इस पागलखाने को चला रहे हैं। और दुख की बात यह है कि लोग इस दुनिया में ज़्यादा संख्या में हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों का दिमाग किस हद तक खराब है। ये लोग अपने पैसे को पानी की तरह बहा देते हैं सिर्फ दूसरों को कुछ दिखाने के लिए, और जिसे वो दिखा रहे हैं इसकी 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो इंसान फिर भी बुरा ही कहेगा। जैसे या तो कहेगा इसमें हवा आ गई है, या कहेगा जो ये चीज़ है इसकी कोई क्लास नहीं है, या ऐसा ही कुछ और। अगर कोई अच्छा कहेगा भी तो वो दूसरे पल भूल भी जाएगा। इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। किसी के मुंह से 2 मिनट के लिए दो अच्छे लफ्ज़ सुनने की कोशिश में लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए बहा देते हैं। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? और जो आपको एक पल के लिए अच्छा कह रहा है वो दूसरे पल आपको बुरा भी कह सकता है। आजकल दिखावे की एक नई चीज चली है, आईफोन। आईफोन जो था वो किसी काम के लिए बना था, पर ज्यादातर लोग आईफोन को किसी भी उसके फीचर इस्तेमाल करने के लिए यूज नहीं करते हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए आईफोन को खरीदते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके पास बेसिक जरूरतों के लिए पैसा नहीं है, दुनियावी सुख खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पर ले रखा है आईफोन, वो भी सिर्फ फोन कॉल्स और टेक्स्ट करने के लिए। अरे मूर्ख व्यक्ति, जो काम तू 1 लाख रुपए वाली चीज से कर रहा है वो 10,000 रुपए वाली चीज से भी हो सकता था। लोगों को दिखाने के लिए हर हफ्ते नए कपड़े खरीदते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके कपड़ों का खर्चा उनकी न्यूट्रिएंट्स वाली डाइट से, उनकी बेसिक जरूरतों से ज़्यादा है। अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो जिस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, तो वहां जाने के लिए अच्छे कपड़े होना ज़रूरी है। ये एक बेसिक ज़रूरत है। पर कुछ लोगों को रोज लोगों को दिखाने के लिए नए कपड़े चाहिए, मोटरसाइकिल गाड़ी चाहिए महंगी, उसमें तेल डालने के पैसे हो या नहीं, शादी के बाद काम करना है 10-20 हज़ार महीने पर शादी पर खर्चा करना है 10-20 लाख का, बच्चे के फ्यूचर के लिए कोई सेविंग नहीं पर उसके पैदा होने पर पार्टी करनी है कर्जा लेके। फिर कहते हैं नानक दुखिया सब संसार,
कि इस दुनिया में सब लोग दुखी हैं। अरे होंगे ही, ये मूर्ख लोग अपने दुखों का खुद ही कारण हैं। मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में अपने कर्मों से कोई बच नहीं सकता, कर्मों का फल भरना ही पड़ता है। कर्मों से मेरा मतलब पाप या पुण्य से नहीं है, कर्म का मतलब है आपके एक्शंस। जो आप एक्शंस करोगे उसका रिजल्ट आप ही भरोगे। पैसा सब कुछ नहीं है, पर इस दुनिया में पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। पैसे की जद्दोजहद से निकलने के बाद ही आप इंसान होने के असली मकसद को समझ सकते हैं, नहीं तो जैसे जानवर सर्वाइवल की गेम में फंसे हुए हैं वैसे ही आप भी फंसे रहोगे। पैसा कमाने से ज़रूरी ये होता है कि आप उसे इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर पाइप में लीकेज हो तो आप टंकी को चाहे जितना ही भरते रहें टंकी कभी नहीं भरेगी। इसी तरह से अगर आपके पैसा इस्तेमाल करने के तरीके में कोई लीकेज है तो आप पैसे के इस चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल सकते। और इस दुनिया के ज़्यादातर लोगों में ये लीकेज है, और इस लीकेज का नाम है दिखावा। इसलिए इस दुनिया के ज़्यादातर पागल मूर्ख बदकिस्मत लोग पैसे के इस चक्रव्यूह में फंसे अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं। कमाल की बात तो ये है कि जिस चीज़ ने इन्हें इस चक्रव्यूह में फंसाया हुआ है ये उसी का पूरा समर्थन करते हैं। इससे निकलने की बजाय इसे और चकड़कर पकड़ लेते हैं, और कहीं ये टूट ना जाए इसके डर से मेरे जैसे लोगों को पागल या एंटी सोशल कहकर बुलाते हैं। और मेरे जैसे लोग इस चक्रव्यूह से, इस पागलखाने से बाहर ऊपर से इस दुनिया नामी पागलखाने को देखकर मज़े लेते हैं, हंसते हैं, अपनी ज़िंदगी मज़े से आराम से इस दुनिया के दुखों से दूर कंफर्टेबली स्पिरिचुअल पीस और पैसे से खरीदे जाने वाले सुखों को भोगते हुए इस धरती को स्वर्ग बनाकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और जिन पागल लोगों ने इस दुनिया को पागलखाना बना दिया है, नर्क बना दिया है, वो किसी और स्वर्ग की होप में पत्थर के ढांचे बना रहे हैं। ये दुनिया एक कॉमेडी शो है।